कि हम लिखते हैं, हम लिख देते हैं एक प्रश्न, संथाल विद्रोह के कारण उद्देश्य प्रभाव का विश्लेषण करें, या रुकिए, या संथाल विद्रोह का समग्र मूल्यांकन करें। हाँ, आप बोलिए। संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशक्त जन प्रतिरोध का आदर्श प्रस्तुत करें। चल करता है प्रस्तुत करता है करता है अस्पष्ट करें अस्पष्ट करें और रुक जाइए। संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी व्याख्या करें और बोले। हो गया, बस देखिए। कारण, सबसे पहली बात हम लोग देख लेंगे संथाल विद्रोह के कारण या तत्कालीन परिस्थितियाँ यानी कैसी परिस्थिति थी संथालों की, इतिहास, इसका हम लोग प्रारंभिक क्या देख लेंगे, इतिहास। कारण, आखिर ये क्यों उतावले हो गए, विद्रोह करने के लिए क्यों, इसका मूल उद्देश्य क्या था, और फिर इसका जब हुआ तो क्या प्रभाव पड़ा। तो मोटा मोटी जो कोई भी प्रश्न जब कभी भी किया जाता है तो उसमें मूल रूप से तत्कालीन परिस्थिति को दिखाएंगे, कारण को दिखाएंगे, उद्देश्य को दिखाएंगे, प्रभाव को दिखाएंगे, और वर्तमान से प्रेरित जो आंदोलन है उससे जोड़ करके कंक्लूड कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह का समग्र मूल्यांकन, तो A to Z समग्र मूल्यांकन A to Z हो जाएगा। अच्छा, संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के विरुद्ध सशक्त जन प्रतिरोध, देखिए जन प्रतिरोध है ये क्या है, जन प्रतिरोध का मतलब जन क्रांति, हाँ, आम लोगों की क्रांति, संपूर्ण लोगों की सहभागीदारी, संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों की सहभागीदारी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जन प्रतिरोध किसके खिलाफ, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ। तब ब्रिटिश उपनिवेशवाद में क्या आ गया, शोषण,
ये क्या आ गया, ये शोषण। कैसा शोषण? आर्थिक, सामाजिक। सामाजिक कैसा? राजनीतिक। राजनीतिक कैसा? धार्मिक। तो ये आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शोषण के बारे में। आदर्श प्रस्तुत करें, ये कि कैसे एक आइडियोलॉजी है, ये इसके आधार पर आप इसको क्या करें, पुट करें। यानी आने वाले आंदोलन के लिए ये कैसे आइडियलिस्टिक हुआ, कैसे आदर्श हो गया, कौन कौन मूलभूत बातें हैं जिसको कि आने वाले आंदोलन ने अपनाया, वो आदर्श प्रस्तुत हुआ। जैसे आप कहते हैं ना, महात्मा गांधी मेरा आदर्श है। क्यों आदर्श है? सत्य को लेकर के, अहिंसा को लेकर के, मानव कल्याण को लेकर के, जन कल्याण को लेकर के आप कहते हैं ना, ये मेरा आदर्श है। तो वही कौन मूलभूत बात था जो आने वाले आंदोलन में इसके क्रांति को क्या मान लिया गया, आदर्श मान लिया गया। संथाल विद्रोह में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी। व्याख्या करें, प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया, इससे पहले भी कई विद्रोह हुआ। कल मैंने आपको सुनाया था कौन विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, नहीं भील विद्रोह हुआ, अहोम विद्रोह हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन वो विद्रोह प्रथम विद्रोह के प्रतिक्रिया के रूप में थी। तो वो छोटे छोटे पैमाने पर थे, लेकिन ये विद्रोह क्या था, बहुत बड़े पैमाने पर थे। इसीलिए क्या कहा, प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी किसके खिलाफ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ। ये सारी बातें इसी में समाहित है, राइट। अब इसी को हम लोग पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो सारे प्रश्न लिखे जा सकते हैं, इसमें दो मत नहीं है, राइट। चलिए क्वेश्चन लिख लिया सब लोग, लिख लीजिए। हाँ तो ठीक तो है, वो लिखाए हैं जो आर्थिक शुद्धिकरण में क्या मतलब, आर्थिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धिकरण का मतलब क्या लिखा है ना, नैतिक बल होना चाहिए, सामाजिक स्थिति होना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, एक देवता का पूजा करना चाहिए, मिलजुल करके सब काम करना चाहिए, अपनी परंपरा को क्या करना चाहिए, फिर से लागू करना चाहिए, और किसके खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ कार्य करना चाहिए। लिखाए हैं तो सब एकदम टू द पॉइंट लिखा दिए हैं, उसको पढ़िएगा तो सब बात मिलेगा आपको, उसमें ए टू जेड बात मिल जाएगा। लाइट सब जला दो, पंखा तेज नहीं करो, आवाज नहीं आएगा। कम पंखा करो, हाँ चलिए लिख लिया। बेटा दे, चलिए यस ओके। तो अब हम लोग सबसे पहली बात ये देखते हैं कि इसका कैसे हम लोग वर्णन करेंगे भाई। तो सबसे पहली बात आप ये करिएगा, जिसमें प्रश्न आप लिखने लगिएगा तो फटाक से एक कॉलम बना दीजिएगा। ये संथाल विद्रोह का एक कॉलम बना दीजिएगा और उसमें तुरंत लिख दीजिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तुरंत इसमें लिख दीजिएगा कारण, कारण, तुरंत लिख दीजिएगा उद्देश्य, तुरंत लिखिएगा इसका उद्देश्य स्वरूप, स्वरूप, तुरंत इसका लिख दीजिएगा प्रभाव, प्रभाव, और तुरंत इसका लिख दीजिएगा ये विश्लेषण,
विश्लेषण। ये बात आप फटाक से फर्स्ट डे में लिख दीजिएगा और देख करके ऐसे ही बना दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होंगे वो फटाफट देख लेंगे, ओ पृष्ठभूमि है, कारण है, उद्देश्य है, स्वरूप है, प्रभाव है, विश्लेषण है, बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है, वो फटाक से अपना जजमेंट कर लेंगे कि यहाँ तक बच्चे की पहुँच है, तो उसके आधार पर उसका दिमाग में सकारात्मक व्यू और नकारात्मक व्यू आता है, तो यहाँ पर जैसे ये बात दर्शाइएगा ना, तो तुरंत सकारात्मक विचार उसके दिमाग में आ जाएगा, आपके प्रति जो उसका होगा वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो सकारात्मक वो क्या आ जाएगा, ये सकारात्मक विचार आ जाएगा और आपको हो सकता है अन्य के सापेक्ष में बेहतर अंक मिले, राइट। तो अब हमको सबसे पहले देखना है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमको ये पॉइंट डाल देना है कि भाई ये स्वतंत्र विचार के थे, ये कैसे थे भाई, ये स्वतंत्र विचार थे, इनकी सामाजिक स्थिति, ये सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी भाई, ये आर्थिक स्थिति, इनका धार्मिक स्थिति कैसा था भाई, ये धार्मिक स्थिति, इसका कौन देखते हैं, प्रशासनिक स्थिति, अब कुछ नहीं बचता है, राइट। कारण में हमको ये दर्शा देना है कि भाई कैसे कर प्रणाली में वृद्धि कर दिया गया, यानी औपनिवेशिक सत्ता को संपोषित करने हेतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाए गए नियमों का हम विवरण दे देंगे, नियमों का ये क्या दे देंगे, ये विवरण दे देंगे, उद्देश्य में हम यही दे देंगे कि भाई क्या उद्देश्य में इनका था भाई, तो उद्देश्य में यही था कि कौन सा बात था, तो गैर दीकू को भगाना, यानी जो गैर संथाल दिक मतलब दिक करने वाला बाहरी आदमी, मैदानी क्षेत्र से आने वाला, ये हम लिखेंगे गैर आदिवासी को भगाना, लेकिन इसमें पिछड़ी गैर आदिवासी को नहीं, याद रखिएगा, इसके बड़ा भारी बात है, इसमें क्या है, ब्रिटिश सरकार को क्या करना भगाना, फिर क्या करना, अपनी धार्मिक सत्ता स्थापित करना, फिर स्वरूप में इसका हम लोग देख देंगे भाई, ये क्या था, स्थानीय था, ये क्या था, सुसंगठित था, ये क्या था भाई, ये धार्मिक आवरण था, प्रभाव में इसका हम लोग दे देंगे भाई कि जब संथाल हुआ तो संथाल प्रगना एक्ट बना, इस क्षेत्र की भूमि को क्या कर दिया गया, अविक्री योग्य घोषित कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, इनकी परंपरा को मान्यता दे दी गई, और विश्लेषण में हम जोड़ देंगे कि वास्तव में ये क्या था, अद्भुत क्रांति थी, जो कि आने वाली क्रांति का आदर्श बना, तो इतना बात आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, और ये बात उसी समय फर्स्ट आवर में लिख देना चाहिए, तो ये जैसे ही फर्स्ट आवर में आप लिख दीजिएगा
तो वो सब समझ जाएंगे कि वो इतना बात इसमें लिखा गया है। हाँ, प्रशासनिक स्थिति आए। हाँ, समुच्चा जैसे लिखे वैसे। हाँ, खुद से करना, वो समझ जाएंगे। यदि वो नहीं पढ़ेंगे आपका लिखा हुआ सारा बात, तो इसी से पता चल जाएगा बच्चा क्या लिखा है। उनको इतनी समझ हो जाएगी कि वो बच्चा बॉटम से टॉप तक गया है, कहीं इससे फिर कुछ बचता है नहीं। तो यहाँ तक आप जैसे लिखिएगा उसी समय डायग्राम में ये सारी बातें डाल देनी है, और तब एक एक करके इनकी क्या कर देनी है, व्याख्या कर देनी है। संथाल परगना एक्ट लिख दी, और फिर लिख दिए दूसरा, अब बिक्री योग्य घोषित किया गया, इनकी परंपरा को मान्यता दे दी गई। सर देखिए, गैर आदिवासी को तो दुकानों से उपदेश था, लेकिन पिछड़ी गैर आदिवासी को नहीं। नहीं, जिसमें कि लोहार लोग था, लोहार था, सोनार था, ग्वाला था, धानुक था, कहार था, डोम चमार दुसाद कहार, ये सब को नहीं भगाता था। काहे, वो उसके साथ मिलकर काम किया था। अपनाए गए नियमों का विवरण, संथाल परगना एक्ट बन गया, फिर दूसरा लिखिए, और बिक्री योग्य घोषित कर दिया कि वहाँ का जमीन को, सब लिखाएंगे अभी इनकी पर। हाँ, अविक्री योग्य घोषित कर दिया, वहाँ का जमीन बिकेगा नहीं, केवल दान पत्र होगा। हाँ, वास्तव में अद्भुत क्रांति जो आने वाले क्रांति का आदर्श बना, जो आने वाले क्रांति का आदर्श बना। हो गया, चलिए अब एक एक करके सुनिए। देखिए, इनका जो स्वतंत्र विचारधारा का था, तो ये कैसे स्वतंत्र विचारधारा के थे, तो ये संथालों के यदि जीवन चरित्र को आप देखिएगा, तो ये बड़ा एकाकी जिंदगी व्यतीत करना चाहता है। ये बड़ा ही क्या चाहता है, एकाकी, एकाकी जीवन इनको क्या है, ये पसंद है। ये मैदानी क्षेत्रों से दूर पहाड़, पर्वत, गुफा, कंदरा में ये निवास करते हैं, कंटकाग्र होता है, जहाँ आम लोग पहुँच न सके। ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से अपनी ज़िंदगी ये व्यतीत करते हैं। किसी से न इनको लेना, न किसी से इनको देना है, न उधो से लेना, न माधो से देना। ये अपना स्वतंत्र जीवन बड़ा पसंद करता है।
प्रकृति की गोद में ये क्या करता है, ये निवास करता है। आप किसी भी देखिए, कहीं भी संथाल को, आदिवासी को आप देखिए, वो पहाड़ है, पर्वत है, कंदरा है, नदी है, नाला है, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, कंटकाग्रण है, ऐसी व्यवस्था है जिसको आपको लगेगा कि दूर बियावान क्षेत्र में वो बसा हुआ है, उनको कोसों दूर है, आम लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वो कैसे हैं, स्वतंत्र विचारधारा के हैं। इनकी सामाजिक स्थिति कैसी है भाई, तो समाज में ये कैसे होते थे, इनका जो समाज जो होता था, ये समाज कई स्तर का था, ये कई स्तर का था। तो आपका समाज कैसा है, तो आपका समाज है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या है, ये शूद्र है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन इसका समाज इस प्रकार का नहीं था। इनके समाज में प्रथम चरण प्रथम स्तर का है, प्रथम स्तर का, ये द्वितीय स्तर का और तृतीय स्तर का इनका समाज होता था। ये तृतीय स्तर का समाज होता था। तो प्रथम स्तर पर कौन होते थे, प्रथम स्तर पर वो होते थे, उस वर्ग के लोग होते थे संथाल में, जिसने जंगल को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाया है। ये जंगल है, ये जंगल है, इस जंगल को क्या कर दिया, ये काट दिया, और काट करके क्या चीज़ बनाया, कृषि योग्य भूमि बनाया। तो ऐसे लोगों को बड़ा वीर माना जाता था कि आम लोगों के कल्याण के लिए इसने कार्य किया है और क्या किया है, कृषि योग्य भूमि बनाया है। ये पहले स्तर पर होते थे, जैसे आपका ब्राह्मण कैसे पहले स्तर पर है, वही ये पहले स्तर पर होते थे। सेकंड स्तर पर कि जो लोग इस प्रकार की खेती योग्य भूमि बनाया है, उसका जो रिलेटिव होता था वो सेकंड स्तर के होते थे। और थर्ड क्या होता था, जो इसमें सहायक थे, तो सहायक में कौन थे, वही गैर पिछड़ी दीकु, गैर पिछड़ी, ये गैर पिछड़ी दीकु, जैसे जादव, जैसे ग्वाला, जैसे ग्वाला, जैसे लोहार, लोहार, जैसे सोनार, कहार, दुसाद, ये निम्न वर्ग के लोग इसके साथ होते थे। ये तीसरे नंबर का इसका समाज था, और समाज में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था, सबकी अपनी अपनी सोच थी, सब अपने नियमों का पालन करते थे, किसी का अतिक्रमण नहीं करते थे, ये अतिक्रमण करना इनका ध्येय नहीं था। शांतिपूर्ण जिंदगी, समाज में शांति थी, अमन चैन था, सब लोग अपने अपने अधिकारों का क्या मानते थे और अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते थे। इस प्रकार से समाज इनका कई स्तर था। आर्थिक स्थिति क्या थी भाई, सामान्य थी, जंगल से कंदमूल फल फूल लाना, खेती करना, पशुपालन करना, और वो सब अपना जीवन में ये सीमित आवश्यकता थी, बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी, ये सीमित आवश्यकता थी। सीमित आवश्यकता का इनका क्या था, ये जीवन था, अपने जीवन में ये बड़ा सुख चैन से ये ज़िंदगी जिया करते थे, इनमें बहुत अधिक हाय हाय की बात नहीं थी, जितना साधन था उसी में ये सुख का अनुभव करते थे। तो मैं आपको बोलूं कि सुख और दुख मन स्थिति है, अंत मनोभूति है, ये क्या है, सुख और दुख का अनुभव करना अंत क्या है, मनोदशा है। ये यदि किसी आदमी को देखिएगा, थोड़ा सा ही चीज़ है, अपार खुशी होती है। मैं बोलूं, अभी आप सभी लोग बैठे हैं, नौजवान लोग, अभी आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, एक कुकर है, थोड़ा भात है, थोड़ा चावल है, खाए पिए, कुकर इधर फेंके, भात कुछ बच गया तो छीट दिए, फिर अपना चादर तान के सो गए, कितना सुख की अनुभूति होती है, अभी नहीं कह सकते आप। कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाते हैं, फिर दो घंटा नींद मारते हैं, फिर अपना बीपीएससी का उठ के पढ़ते हैं, चैन की ज़िंदगी जीते हैं, नो टेंशन एट ऑल। लेकिन जैसे ही आप नौकरी में आइएगा, आपको देखा देखी लगने लगेगा कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, कार यदि छोटा मोटा लिए हैं एल्टो, बहुत बेकार चीज़ है, 20 लाख का कार कैसे ले लें, हवाई यात्रा कैसे करें, स्विट्जरलैंड कैसे घूमें, 5 सितारा होटल में कैसे खाना खाएं, हवाई उड़ान कैसे भरें, विवाह शादी करने के लिए स्विट्जरलैंड मनाने के लिए कैसे चले जाएं, फलना ढकना ढेर बात है। तो भाई ये चीज़ क्या है, अंत मनोदशा है, बस मन में यदि आपको सुख का अनुभव है तो यही सुख है, यदि सुख का अनुभूति नहीं है तो फिर कभी भी सारा भौतिक सामग्री भी उपलब्ध कर दिया जाए तो फिर आप दुख का अनुभव करेंगे। तो ये बड़ा संतोषी थे। धार्मिक विचार में क्या था इनका, जैसे आपका पुरोहित होता है, जैसे आपका क्या होता है, पुरोहित होता है, उसी प्रकार से ये लोग भी पुरोहित अपने ही वर्ग से चुनते थे। जैसे कोई इसका कोई बड़ा है, बुजुर्ग है,
चाचा है, भतीजा है, काका है, नाना है, दादा है, उसी में से ये चुन लेते थे। ऐसा कोई पुरोहित वर्ग नहीं था, जैसे हम लोगों में ब्राह्मण है वही पुरोहित वर्ग होगा, बाकी दूसरा वर्ग नहीं होगा, वो ऐसी कोई बात नहीं थी। अपने से किसी वरिष्ठ को ये क्या करते थे, पुरोहित चुन लेते थे। और इसमें कौन पद्धति थी, तो इसमें था जा करके पाहन पद्धति थी। यही पाहन क्या होता था, ये पुरोहित होता था, और यही किसका पूजा करते थे, ठाकुर। तो ठाकुर किसका है, यही ईश्वर का पूजा करते थे। और ईश्वर का पूजा इसलिए करते थे ताकि यजमान को क्या मिले, सुख शांति मिले, क्या मिले, अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से करें, जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यानी भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना इनका मूल उद्देश्य था। प्रशासनिक एकता में क्या था, इसमें प्रहा प्रणाली थी। ये क्या था, प्रहा प्रणाली। प्रहा प्रणाली का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं या विधानसभा भेजते हैं, और आपके रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार से ये प्रहा पंचायत होता था। अपने प्रतिनिधि को चुनते थे और वहीं पर ये लोग कार्य करते थे। और शासन चलाने के लिए क्या लगता था, कर लगता था, टैक्स। और टैक्स जो होता था वो कैसा होता था, व्यक्तिगत ना हो करके वो कैसे देते थे, सामूहिक कर देते थे। और इस प्रकार से इनका ये जो जीवन था बड़ा सुख चैन से चल रहा था। लेकिन जीवन में कड़वाहट, जीवन में विवाद, जीवन में बीस किसने घोल दिया, यही औपनिवेशिक सत्ता के आते ही जीवन में इसका क्या घुल गया, बीस घुल गया। क्यों जीवन में बीस घुल गया भाई, इसलिए जीवन में बीस घुल गया कि यहाँ पर अब दो चीज़ हो गया। ये कौन लोग आ गए भाई, अंग्रेज आ गए। यहाँ पर कौन लोग आ गए भाई, ये अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेज ने भारत को क्या बनाया, तब भारत को अंग्रेज ने क्या बना लिया, ये गुलाम बना लिया। ये क्या बना लिया, ये गुलाम बनाया। और जब ये गुलाम बनाया तो उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश ये क्या कर लिया, स्थापित किया। और उपनिवेश स्थापित करने का मतलब होता है कि हम अधिक से अधिक कर की प्राप्ति करें, अधिक अधिक से अधिक हम किसका करें, अधिक से अधिक दोहन किसका करें, उपनिवेश का करें। तब जाकर के जब अधिक से अधिक उपनिवेश का दोहन होगा तब जाकर के कौन होगा, तब जो साम्राज्यवाद है, जो साम्राज्य है जिसने कि उपनिवेश स्थापित किया है, उसका क्या होगा, भरण पोषण होगा। ये क्या होगा, भरण पोषण होगा। उनका क्या होगा, पूरे समुन्नति होगी, समुन्नति होगी। वो क्या होगा, उन्नति के पथ पर बढ़ेंगे, उनका आन बान शान बढ़ेगा। हम बोले आज लंदन बहुत खूबसूरत शहर है, पेरिस बहुत खूबसूरत शहर है, इसका मतलब है कि भारत के खून से उनका एक एक ईंट सना हुआ है। भारत के 100 साल से ज़्यादा पर 200-300 साल तक उसका क्या किया है, शोषण किया, दोहन किया है, और तब जा कर के खूबसूरत लंदन बना है। इसीलिए यदि कहा जाए कि लंदन की गलियों में, लंदन की दीवारों की ईंट में भारतीयों का क्या सना हुआ है, खून सना हुआ है, तब वो चमचमाता है, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वही ये लोग आए और आकर के इसने क्या कर दिया, कई प्रकार का टैक्स लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर जमींदारी प्रथा लागू कर दिया, बड़े पैमाने पर इसने टैक्स लगा दिया। तीसरी बात, यदि भूमि का टैक्स आप नहीं दे सकते हैं तो आपको तुरंत बेदखल कर दिया जाएगा। पुलिस व्यवस्था लगा दिया, न्याय व्यवस्था लगा दिया, यानी ऐसे ऐसे चीज़ों को लगाया जिससे कि एकमात्र उद्देश्य इसका क्या हो गया कि अधिक से अधिक क्या प्राप्त करना, ये राजस्व की प्राप्ति करना इनका मूल उद्देश्य हो गया। तो भाई इससे क्या किया, औपनिवेशिक नियमों ने इनका क्या कर दिया, अधिक से अधिक इसका शोषण किया। और जब शोषण किया तो ये क्या होने लगे, अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने आप में तड़पड़ाहट इसमें आ गई, और वो लड़ने की भिड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो हम शांतिपूर्ण ढंग से पहले रह रहे थे, जितनी हमको शांति पहले थी, मैं पुनः फिर वही शांति को क्या करूं, लौटाऊं। भाई लोग नहीं कहता है, घर गांव में लोग बोलता है, अरे इससे बढ़िया तो बढ़िया पहले ही था, स्टूडेंट लाइफ था, विवाह शादी नहीं किए थे, कोई दिक्कत नहीं था, हम चाहते हैं कि पूरा पहले वाला जिंदगी आ जाए। आज इतना कमाते हैं लेकिन फिर भी हाय हाय लगा रहता है, शांति समाप्त हो गई है, आखिर मैं क्या करूं। और वो क्या करते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, गंगा के किनारे चुपचाप वो बैठ जाते हैं, गंगा की लहरों को वो क्या करने लगते हैं, गिनने लगते हैं, और शाम के समय आकाश, सुनी आकाश को वो ताकते हैं कि कितनी नीरव शांति है, शायद ये नीरव शांति मुझे मिल जावे।
पहले कितना शांति था, लेकिन जैसे ही ये लोग आया, बस इन लोगों ने क्या कर दिया, गैर आदिवासी को इसने कहा कि नहीं, यही जो मैदानी क्षेत्र से आ गया है, ये जो मैदानी क्षेत्र से आ गया है, कौन आ गया है, ईसाई आ गया है, कौन आ गया है, सिख आ गया है, मुसलमान आ गया, बनिया आ गया, इन लोगों ने मेरे जीवन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, अंग्रेज आ गया, ये लोगों ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए इनको क्या करो, भगाओ। और ब्रिटिश सरकार सबसे बड़ा जड़ कौन है, यही ब्रिटिश सरकार है, इसी का प्रतिनिधि है ये लोग, जितना भी सेठ है, साहूकार है, महाजन है, सर्राफ है, सेठी है, ये सब इसका प्रतिनिधि है, इन सबको भी क्या करो, भगाओ। और तीसरी बात क्या कहा, अपनी धार्मिक सत्ता को स्थापित करो। हमारे जो ठाकुर हैं, उसने जो धार्मिक सत्ता हमको दिया था, शांतिपूर्ण जीवन हम व्यतीत कर रहे थे, पुनः फिर उसी राज्य को क्या करो, लाओ। इसका क्या था, ये मूल उद्देश्य इनका था, ये इनका यही क्या था, मूल उद्देश्य था। इसके बाद इसका स्वरूप को देखिए, खैर ठीक है, इसने लड़ाई तो लड़ा जरूर, लेकिन स्वरूप के क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में नहीं आ पाया। इसका स्वरूप कहाँ तक रहा, इनका स्वरूप स्थानीय रहा, तो स्थानीय रहा तो संथाल मूल रूप से कहाँ से कहाँ तक निवास करते थे, ये भागलपुर से लेकर के ये कहाँ तक करते थे, राजमहल की पहाड़ी तक, ये राजमहल कि ये पहाड़ी तक करते थे, ये क्या कहलाता था, दामन ये कोह कहलाता था, दामन ये कोह कहलाता था, ये कहाँ रहते थे, ये संथाल परगना वाला इलाका था, तो इसी क्षेत्र में ये विद्रोह क्या हुआ, जबरदस्त रूप से हुआ। और ऐसा नहीं है कि संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गया, या उत्तरी संपूर्ण उत्तरी भारत में फैला, पश्चिमी भारतवर्ष में फैला, ये कुछ सीमित क्षेत्र में ही ये क्या रह गया, फैल करके रह गया। इसलिए इनकी प्रकृति को हम क्या देखेंगे, सुसंगठित था, ठीक है छोटा था जरूर, लेकिन 60,000 संथाल को एकत्रित होकर के लड़ना और किसको भगाने की बात कहना, अंग्रेजों को भगाने की बात कहना, तो वाकई ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, सुसंगठित है, एक बात पर 60,000 आदमी को जुड़ जाना और अंग्रेजों को खिलाफ करके कि भाई इसको भगाओ, ये फिरंगी है, ये सात समंदर पार से आया है, ये हमारा दुश्मन है, इसको भगाओ, यह रियल में क्या था, ये सुसंगठित था। और धार्मिक आवरण, कभी भी कोई भी विद्रोह जो होता था पहले, उसमें कौन आवरण होता था, धार्मिक आवरण, कि किसको शक्ति मान लेता था, ईश्वर को मानता था, जो इसका ठाकुर था उसको मानता था, और उनका कहना था कि हम जो ये लड़ाई लड़ेंगे उसमें हमारी मदद कौन करेंगे, ये ठाकुर करेंगे। तो भाई ठाकुर के पास शक्ति है, और इसी ठाकुर ने किसको भेजा है, दो आदमी को भेजा है, किसको भेजा है, सिद्धू, और किसको भेजा है, कांडू, चांद, ये चांद, और किसको भेजा है, भैरव, ये सबको भेजा है, ये मेरा प्रतिनिधि है, ये उनका प्रतिनिधि है, ये जो कहेंगे वो राइट होगा, इसके आगे अंग्रेज की शक्ति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, अंग्रेज छिन्न हो जाएगा, उसको भागना ही पड़ेगा। तो ये जो विश्वास दिलाना है, ये जो विश्वास दिलाना है, ठीक है ये अंधविश्वास ही है, लेकिन ये विश्वास बड़ा काम का चीज़ होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि जब लड़ाई लड़ते हैं तो जैसे अपने गुतिया से ही लड़ते, कहते जय बजरंग बली आ जा, भले भले आपके पीछे से लड़े या ना लड़े, लेकिन वो अंदर से एक मूल चीज को आप कहते हैं जय बजरंग बली। लड़कियां लड़ती है कहते जय दुर्गा माँ आज 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 उड़ा ही देती हूँ मैं, नहीं तो पुरुष भाग जाता है, भले वो लड़े या ना लड़े, दुर्गा माँ लड़े या ना लड़े, जय बजरंग बली लड़े या ना लड़े, लेकिन उसके अंदर एक क्या आता है, विश्वास आता है, और जहाँ विश्वास है वहाँ क्या है, विजय है। सिंपल सी बात है, यदि आपके अंदर विश्वास आ जाए तो बड़े बड़े हस्ती को प्राप्त कर दीजिएगा। तो वहाँ पर विश्वास यदि नहीं है, आपका अंदर का विश्वास यदि डगमगा जाता है, तो विजय भी आपका क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। लोग कहता है ना गाँव घर में, कहता है मन का जीत मन का हारा, हारा मन का जीता जीता। मन से यदि आप जीत लिए हैं तो मैदान जंग अवश्य जीतेंगे, और यदि हार गए हैं मन से तो लाख प्रयास करिएगा आप नहीं कर पाइएगा। तो इस प्रकार से ये काम किया, प्रभाव में क्या हुआ, संथाल परगना एक्ट बना, और संथाल परगना एक्ट जब बना, जब इतने बड़े पैमाने पर संथाल को मार दिया, तो ब्रिटेन में भी ये हंगामा हो गया। कहे ब्रिटेन का सारा अंग्रेज ऐसा नहीं था कि विरोधी था, मानव के खिलाफ था, ऐसा नहीं था, वहाँ भी जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उन लोगों ने भी सुना कि भाई भारतवर्ष में संथालों की ऐसी स्थिति है, तो पूछा संथाल कैसे लोग होते हैं, बोला बहुत गरीब गुरबा होता है, मंद बुद्धि का होता है,
कुछ भी उसके पास नहीं है, अर्धनग्ना अवस्था में रहता है, अपना किसी तरह से खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता है। तो कहा विद्रोह ऐसा क्यों कर दिया? कहा इसी इन लोगों ने अत्यधिक कर लगा दिया, शोषण किया, उसका शारीरिक मानसिक आर्थिक सब शोषण किया। तब उन लोगों ने भी इसको कहा कि नहीं गलत बात है, कहा है इंग्लैंड में तो प्रजातंत्र है, इंग्लैंड में स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व की बात है। तब कहा उन लोगों ने कि नहीं, वहाँ ऐसा एक्ट बना दिया जाए जिससे कि वहाँ की भूमि क्या हो, बिक्री योग्य ना हो। लोग जा करके क्या करते थे, वो उसको छीन लेते थे। यानी जैसे कि मान लीजिए कोई धाने बेचने के लिए गया है, अभी भी आप यदि रांची जाइएगा, संथाल परगना जाइएगा, तो वहाँ जो बनिया लोग हैं, वहाँ जो दुकानदार लोग हैं, साहूकार है, सेठ है, वो अभी भी उसको बुद्धू बनाता है। तो जितना धान उसको दिया जाएगा, मान लीजिए अभी अगहन महीना आया और जाकर के एक बोरी धान लाया है, एक संथाल है, संथाली है, जब कभी चलता है जोड़ा में चलता है, वो अकेले नहीं चलता है। तुम जिसको आज नया चीज़ मानते हो, वो कबे का पुराना चीज़ उन लोगों का है। तो वो जाकर के जोड़ा में चलता है, तो धान ले आया। अब बनिया बैठा हुआ है वहाँ पर, रोड पर बैठा हुआ है, हाट के पास बैठा हुआ है। तो बोला कि धान कैसे दिया? बोला कि ऐसे दे रहे हैं। कहा रखो नपवा। जैसे वो नापता है ना तोला, तो बोला कि एक जैसे बोलेगा वन, तो बोलता है राम है जी राम, राम है जी राम। तो एक बार मारा राम है जी राम, एक बार मार दिया। फिर बोला राम है जी राम, तो दू हो गया। तब बोला राम है जी एक, तब हुआ एक। दो बार ऐसे पाँच दुना दस किलो मार दिया। और तब एक में पाँच पाँच किलो कहा। और तब हंसते हंसते कह दिया तीने मंझियन तीन, माने मंझियन, उसको मांझी को मंझियन कहा जाता है। तो वो चला गया मंझियन में चला गया। तो 15 केजी को वो मुश्किल से 7.5 केजी बनाए। और तब कहता है कि इस पर समुच्चा यदि मांझी चढ़ जाएगा तो बनिया के तराजू में 10 केजी से बेसी धान नहीं है एक बोरा में। अब सोचने वाली बात है, यदि वो घर में उसका गांठ होता था, रस्सी बांधता था, कर्जा लिया, जैसे माने एक मानी धान लिया कर्जा, ठीक है कर्ज लिया, तो वहाँ पर ठाट में एक रस्सी होता था, उस रस्सी को क्या करता था, एक गांठ बांध दिया, इसका मतलब हुआ वो एक मानी धान हुआ, वो लिखित हो गया। अब वो संथाल उसको छुएगा छापेगा कुछ नहीं। तब वो बनिया आदमी तो बहुत होशियार, मुसलमान बहुत होशियार, वो सिख लोग बहुत होशियार, ईसाई लोग बहुत होशियार, तो उसको बोला कि जरा पानी पिलाइए। वही जाकर के अंदर जब पानी लाने के लिए गया, यहाँ दो गो गांठ बांध दिया। बोला देखो दो गो गांठ है ना, हम बेमान आदमी हैं, तो दो मन धन लिया है। अब देखिए इतना उसको शोषण कर लेता था। तब वही सरकार ने कहा कि नहीं, उसको क्या कर लिया जाए, उसको एकदम अविक्री योग्य घोषित कर दिया जाए। कहा ये लोग शराब बहुत पीता था, आप एक शराब बोतल शराब पिला दीजिए, इसका घर त्वार बहु बेटी सब ले लीजिए, कोई बात नहीं है, सब काम तमाम हो जाएगा। कहा है शराब का ही बड़ा ये शौकीन होता है, यही बड़ा अन्याय वाली बात था। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, वास्तव में अद्भुत क्रांति आने वाला, संपूर्ण क्रांति का आदर्श है। तो भाई सभी लोगों को एक जोड़ना, राष्ट्रीयता की पहचान दिलाना, क्रांति को लेकर के एकमात्र दुश्मन अंग्रेज को बनाना, यही बात तो आने वाले क्रांति में हुआ है। इसीलिए ये क्या था, अपने आप में अद्भुत था, और आने वाले क्रांति का ये क्या बना, आदर्श बना, और ये बताया कि औपनिवेशिक विरासत में जो ये सत्ता है उसको क्या करना है।